हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो है टारगेट जेई 2021, यानी उन स्टूडेंट के लिए जो 11th में इस साल आए, यानी 11th अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम पास किया है। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने 9th-10th से ही बेसिक स्टार्ट कर दिए होंगे प्रिपरेशन के, और ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कई लोग ऐसे भी हैं जो आप करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे जब ये पूछता है कि जेई के लिए राइट टाइम क्या है प्रिपरेशन का, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितनी जल्दी करेंगे वही राइट टाइम है। और राइट टाइम की डेफिनेशन मेरे लिए एक बहुत क्लियर है कि जिस समय आप सोच लो कि ये करना है उस दिन से ही वो स्टार्ट कर दें। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपको जेई में जाना है, नॉ स्टार्ट, जिस समय भी आप सोचते हैं, भले आप क्लास 9th में, 10th में, 11th में, आप सोचते हैं मुझे डिफेंस में जाना है तो डिफेंस के लिए टारगेट करें, आप अगर सोचते हैं कि मुझे मेडिकल में जाना है तो मेडिकल के लिए, आप सोचते हैं लॉ फील्ड में जाना है या अकाउंट फील्ड में जाना है तो उसके लिए, यानी सही समय वही होता है जिस समय से हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। तो इस सेशन का मेरा एक पर्पज़ है कि आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना, बल्कि इस बात के लिए बताना कि सही समय पर लिए गए एक्शन से हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप अभी राइट टाइम पर एक्शन लेंगे तो मैं आपको बोल सकता हूं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 12th के साथ होते हैं, और जो बच्चे टाइम रहते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो कई बार 12th में अपनी अपनी लाइन में चले जाते हैं। तो आप जिस भी लाइन के लिए जाना चाहें, इसलिए मैं आपको बोलूँगा ये टारगेट तो वर्ड लिखा, अगर आप सोचते हैं कि आपको जेई करना है तो आप अभी से क्या प्रिपरेशन करें, अगर 10th पास आउट किया, अगर आप सोचते हैं एनडीए करना है तो क्या करें, आप मेडिकल, मतलब जिस भी फील्ड में। और इस बार मैं ये सारे सेशन बिल्कुल सेपरेट लूँगा, इसलिए ये सेशन मेरा पूरा फोकस है जेई पे, तो मैं जेई की बात करूँगा। जब मैं एनडीए का सेशन लूँगा तो पूरी बात एनडीए की करूँगा, या जिस भी फील्ड का लूँगा उसी की बात करूँगा, उससे हमारा फोकस कहीं डाइवर्ट नहीं होता। तो आप वो सभी लोग जो क्लास 11th में हैं और जेई के लिए सोचते हैं, तो ये सेशन बहुत यूजफुल और इम्पॉर्टेंट सेशन है। यदि किसी ओल्ड फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी ये सेशन सुन के आपको समझ में आएगा कि आपको क्या एक्चुअल में एक्शन लेना चाहिए। तो अगर आप क्लास 11th में हैं और आप आगे जाके जेई के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहला काम जो 10th पास आउट स्टूडेंट हैं उनको एक करना चाहिए कि अपने 11th और 12th वाले सीनियर्स बच्चों ने क्या किया है, उनका एक सर्वे जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कई बार क्या क्या मिस्टेक करते हैं। आज क्योंकि इम्पिटस गुरुकुल क्लासरूम कोर्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज में पॉपुलर हो गया है, और ऑनलाइन बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, तो जब बच्चा ऑनलाइन जुड़ता है तो वो अपनी प्रॉब्लम भी बताता है। आज हर बड़ी सिटी के, पहले जब मुझे लगता था छोटी सिटी के, पर आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली, बॉम्बे, कोटा, पूना, कानपुर, चंडीगढ़, ऐसी बड़ी बड़ी सिटी के बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाते थे, फिर भी उनको वहाँ जो प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद वो मुझसे शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और फिर शेयर भी करते हैं, और मैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका हम सॉल्यूशन ना कर सकें, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम को समय रहते हुए सॉल्व किया जाए तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होती। तो सबसे पहला काम आप 10th पास आउट स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम एक ही करना चाहिए, वो है कि 11th और 12th वाले बच्चे क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या मिस्टेक किए उसको समझना, और जिन्होंने मिस्टेक नहीं की उसको समझना। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे 11th में IIT JEE के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट या ज्वाइन करते हैं तो आप जब 12th में आएंगे तो एक चीज़ देखेंगे, इन 100 में से केवल 10 से 20 ही जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं। 80 स्टूडेंट तो ये बोलता है कि मैं अभी 12th पे फोकस करूंगा, IIT बाद में देखूंगा। कभी सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। ये अगर आपने स्टडी कर ली तो मैं एक बात के लिए बिल्कुल श्योर हूं कि आप वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। बस मैंने अभी बोला फिर से कि आप जेई के लिए सेशन ले रहा हूं, इसलिए जेई बोल रहा हूं, पर आप जिस भी एंट्रेंस की बात कर रहे हैं क्या मिस्टेक करते हैं, सीधा 10th के बाद सबसे पहले वो सोचते हैं कि हमें जेई देना है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कोई भी इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी आपके शहर में बड़ा इंस्टीट्यूट है या जो इन पर नाम है, या कई बार आप बहुत दूर दूर पढ़ने भी जाते हैं और वहाँ पढ़ाई चालू करते हैं। अब जेई का एडवांस दो तरीके से होता है, एक मेन और एक एडवांस। कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि सीधे आपको एडवांस की प्रिपरेशन करवाते हैं, पहले एडवांस फिर मेन्स, और फिर लास्ट टाइम में पेपर के समय वो आपसे बोलते हैं कि आपको हम 11th या 12th की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसमें होता क्या है कि आपका बेस नहीं बन पाता,
या आपका फाउंडेशन नहीं बन पाता और इस वजह से 11th का परफॉर्मेंस डाउन होता है। जैसे ही 11th का परफॉर्मेंस डाउन होता है, आपके घर वाले भी और साइकोलॉजिकली आप भी ये सोचते हो कि यार अब तो अपना रिजल्ट बिगड़ गया, हम जेई सोचा था यहाँ तो 11th में ही हमारे अच्छे नहीं आए और हम सब भूल के 12th करते हैं। मैं उनकी बता रहा हूँ जो आपके सीनियर्स हैं, इनको बहुत, अगर आपने मेरे इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना और इसको एनालाइज किया, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप खुद ही सर्च करो, सर्वे करो, देन उसके बाद आप एक्शन लोगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि वो लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं जो रियलिस्टिक फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं करते उन्हीं को प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस बात को समझो। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि लोग स्मोकिंग जो करते हैं, कई बार जब उनको टोका जाता है तो वो बोलते हैं कि जैसे कुछ बच्चे अगर पकड़ में आ जाए या कुछ दिख जाए या कोई भी, तो एक चीज़ है, हम देखते हैं कि 90% के आसपास कैंसर जो है वो स्मोकिंग से होते हैं। अगर ये बात आप उनको बोलोगे तो आपको पता है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे कि 90% लोगों को जो कैंसर होते हैं वो स्मोकिंग से होते हैं, और वो इस बात पे स्ट्रेस देते हैं कि 90%, 10% को नहीं होते। यानी वो अपने आप को बिना बात के ही उस 10% में काउंट करते हैं। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कैंसर हॉस्पिटल विजिट तो करो, सब आँखें खुल जाएंगी। पर वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आप भी इस चीज़ को समझिए। देख, बहुत अच्छा समय होता है। अगर 11th को आपने अच्छा कर लिया तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप 12th के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो बिल्कुल निकलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको, और प्रेशर भी नहीं लेना है। ये सब सेशन मैं आजकल अब इसलिए लेता हूँ, मैं आप सबको बोल दूँ कि इम्पिटस गुरुकुल की एक बात है और इम्पैक्ट मेरी भी, कि आप कभी भी प्रेशर लेके पढ़ाई मत करिए। परसेंटेज, नंबर, सिलेक्शन, ये सब तो सेकेंडरी चीज़ है। आप तो अपनी खुशी के लिए करिए, जो भी करें उसमें खुशी मिलना चाहिए। अब मैंने इसीलिए बोला कि मैं आपको हर सेशन अलग अलग लूँगा, एक एक, क्योंकि बच्चे मुझसे बोलते हैं सर आप सेपरेट सेशन लेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं हर एक के सेपरेट लूँगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने सोचा है तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो एक गलती नहीं करनी है। आप चाहे कहीं पर भी पढ़ें, चाहे आप कहीं भी पढ़ें, पर अगर आपको 11th का बेस स्ट्रॉन्ग करके नहीं पढ़ाया जा रहा तो समझ लेना आप राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहा है। इमीडिएटली स्टॉप करके आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लेना। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है कि कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 9th-10th में ही आगे का सिलेबस कवर करते हैं। हो सकता है आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हों, और वो टीचर्स, कई सारे टीचर्स भी मानते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फोकस केवल रिजल्ट होता है और वो सोचते हैं कि अगर 50 रिजल्ट मिल गए तो हमारे लिए आगे काम हो जाएगा। मैं इसके अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे को बेस के साथ पढ़ाया जाए तो उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोगों को जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 11th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर करना है। यानी आपका जो फाउंडेशन है वो जितना स्ट्रांग होगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। अब मैंने अभी जो बात बोली कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे आप देखना कि छोड़ देते हैं, तो मैं इसका रिवर्स भी बताता हूँ कि जिनका 11th में अच्छा परसेंट होता है, यानी 90 या 95 के ऊपर, उसमें से कई बच्चे जो 11th में IIT की तैयारी नहीं कर रहे होते पर इस परसेंट के वजह से वो 12th में आके प्रिपरेशन करते हैं, और वो सही भी है। यानी आप साइकोलॉजिकली समझिए कि क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है फाउंडेशन, मतलब 11th का रिजल्ट। अगर वो अच्छा है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो बिगड़ा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज जाएगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर 11th में आपके परसेंट अच्छे नहीं आए तो आप भी, पेरेंट्स भी कन्विंस ही नहीं होंगे। सबको एक ही बात चलेगी कि भैया पहले 12th तो निकाल लो अच्छे से, फिर सोचना IIT। इसके उल्टा ये हुआ तो आप अपने आप ही, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एक रियल सर्वे, क्योंकि आप सब स्कूल जाते हैं, आप खुद करिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। कई सारे बच्चे डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं पढ़ने, बड़ी बड़ी सिटी में, आप देखो कि वो बहुत उम्मीद से जाते हैं 9th-10th में, और 11th में वो आ जाते हैं और उनका रिजल्ट भी बिगड़ता है, फिर वो सब छोड़ के केवल आसपास पर्सनल लेवल पर ट्यूशन लेके 12th पे फोकस करते हैं। ये भी एक फैक्ट है। तो अगर हम रियल फैक्ट के साथ, रियल बातों को समझने के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो कभी भी फेल नहीं हो सकते। फेल वही होता है जो कि इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। सबकी देखा देखी नहीं करना, हर एक का अपना लेवल होता है, आपको अपने आप को असेस करना है एंड अकॉर्डिंग टू कि आप किस लेवल पे, उसके हिसाब से पढ़ाई करना चालू करो, रिजल्ट मिलेगा। तो आप सब बच्चों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, क्योंकि JEE में जा रहे हैं, पर अगर नीट कर रहे हैं तो नीट के लिए सोचें, जो भी जिस एग्ज़ाम के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ें। यानी आपकी जो स्कूल की बेस बुक है उसे बहुत अच्छे से करें। एक और क्वेश्चन मुझसे 11th वाले बच्चे पूछते हैं कि सर डमी स्कूल बेटर होगा कि
रेगुलर स्कूल, क्योंकि हम डमी में ले लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ, मैं ये बात हर सेशन में बोलता हूँ कि डमी स्कूल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिनके अंदर बहुत हाई डिसिप्लिन होता है। अदरवाइज डमी स्कूल के बाद बच्चों का रूटीन जो बिगड़ता है वो संभल ही नहीं पाता, ना उठने ना सोने, किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। तो मेरा पर्सनल सजेशन है रेगुलर स्कूल, और रेगुलर स्कूल से बहुत सारी चीज़ें भी हम लर्न करते हैं, तो बेटर ऑप्शन तो वही है। एंड डिपेंड ऑन कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप हाईली डिसिप्लिन हैं तो कर लें, उसमें भी दिक्कत नहीं, नहीं करें तो भी। पर आप एक तो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करें। नंबर वन काम कि जो बेस बुक है NCERT और जो भी आप एक और बुक ले रहे हैं वो पूरी 100% सॉल्व होना ही चाहिए। 100% मतलब 100%। आप JEE के पेपर उठा के देख लें, आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि बहुत ही फाउंडेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, और लोगों के साथ दिक्कत होती है कि पता नहीं कैसे एडवांस कर लेते हैं पर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती। और याद रखिए, अगर बेसिक क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन बनने लगे तो टफ तो अपने आप ही बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप अपने पढ़ाई के तरीके में ये चेंज लाएं। और मैं आप सबको एक बात बिल्कुल श्योरली बोल सकता हूं, अगर आपने मेरी ये बात मानी तो ये भी बात पक्की है कि आप इन सेशन को भी याद रखें, क्योंकि अब मैं ये सेशंस 11th वाले बच्चों के साथ भी रेगुलर लेने वाला हूं। मैं अभी आपके साथ एक आध टॉपिक ऐसा भी लाइव लूंगा पूरा, जो मैं बताऊंगा कि अगर आप 9th में कोई होता तो कहां से स्टार्ट करना और उसका एंड कहां तक करना है। यानी आप कोशिश ये भी करें कि 11th के साथ 12th का सिलेबस भी कवर कर पाए। कई सारे बच्चे जो इंपिटर्स के ऑनलाइन वाले हैं वो ऐसा करते भी, क्योंकि 11th में कैलकुलस का जैसे इंट्रोडक्शन है बोलता हूं पूरा कर लो, 12th का जितना कर सकते हो कर लो, ट्रिग्नोमेट्री 11th की करते हो साथ में इन्वर्स भी कर लो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी 11th के साथ साथ 12th की भी कर लो, लिंक टॉपिक तो कर लो, और कोशिश करो कि 11th के साथ साथ 12th का 50% सिलेबस हो जाए। बस शर्त है कि 11th का कोई टॉपिक ना छूटे। यानी आपको इस बात का प्रेशर नहीं लेना कि 12th करना है, कोशिश करनी है कि जितना 12th का हो जाए। तो एक पॉजिटिव माइंड से बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलें, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करें, लिंक टॉपिक पढ़ें। जैसे मैथ्स में मैं बोलूंगा कि मान लीजिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया तो पहले बहुत अच्छे से पढ़ें। मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, फिर मान लो बाइनोमियल थ्योरम लिया, पूरा करिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा करके आप JEE मेंस के तो क्वेश्चन एटलीस्ट करिए ही करिए, पहले पूरी बेस बुक के करिए, फिर मेंस के करिए जो 2002 से अब तक आए, हो सके तो एडवांस के करिए, नहीं कर पाते कोई बात नहीं, फिर बाइनोमियल थ्योरम यही सेम प्रोसेस, फिर बाइनोमियल थ्योरम का प्रोग्रेशन यही सेम प्रोसेस, हर टॉपिक को करें। और पहले आपको बोलूंगा अलजेब्रा पढ़ें 11th में, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ें। अगर ये ऑर्डर रखेंगे तो अच्छा होगा, ये मैथ्स के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करें। और केमिस्ट्री के लिए NCERT बुक बहुत ही अच्छी बुक है, पिछले कई सालों से NCERT से केमिस्ट्री तो पूरा ही उसी से आता है, इवन मैथ्स फिजिक्स भी आता है, उसका बेस वही होता है। क्वेश्चन के देखिए हमेशा देखिए डेटा चेंज होते हैं, तो इन चीज़ों को समझ के पढ़ाई करिए। वो गलती मत करिए जो आपके सीनियर कर चुके हैं, बल्कि आपके सीनियर में जिन्होंने ये मिस्टेक नहीं की, आपको ऐसे भी मिलेंगे। अगर मैंने देखिए तो 80% बोला, यानी 20% जिन बच्चों ने 11th को बहुत अच्छे से फोकस करके चला है, आप जरा उनकी स्टडी करिए, देखिए कि जिनने 11th सुधारा है उनका 12th भी सुधरा और वो सिलेक्ट भी हुए। यानी आपका बिल्कुल सही एनालिसिस आपको भी आगे बढ़ाएगा। तो इस बात को समझिए और बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।